चुंगी पर हूँ इस शो में, और ये देखिए कितनी पब्लिक आ रही है परिक्रमार्थी। और ये मथुरा वृंदावन का मेन रास्ता है, और यहाँ पर अभी तक कोई भी पुलिस का सिपाही, जैसे कोई वाहन परिक्रमा मार्ग में घुसे तो उनको रोकने के लिए कोई भी पुलिस का सिपाही यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है अभी तक, जबकि 8 बज चुके हैं। और इस समय तक पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है परिक्रमा मार्ग के अंदर में। और ये आज बहुत ज़बरदस्त परिक्रमा चल रही है, और ये वाहनों का प्रवेश परिक्रमा के अंदर में और भारी वाहनों का प्रवेश, ये देखिए लाइन लगा के, पता नहीं पुलिस प्रशासन सो रहा है या नगर निगम वाले सो रहे हैं, ये क्या हालत है। पूरे रास्ते में देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। नगर निगम के द्वारा जो परिक्रमार्थियों के लिए जो पैदल रास्ता बनाया है मिट्टी डाल करके, उसके ऊपर में देखिए आज देव उठनी एकादशी है, काफ़ी लोग परिक्रमा दे रहे हैं। और ये इन्होंने बिल्कुल पूरी परिक्रमा, जो कच्चा रास्ता है पूरे कच्चे रास्ते को ऊपर में इन्होंने जो है, और अपना ये सामान लगा करके बिक्री कर रहे हैं। ये देखिए ये सब पूरा रास्ता है इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है यहाँ पर। यहाँ भी देखो, यहाँ भी बिल्कुल पूरे रास्ते के ऊपर में जो परिक्रमा के लिए प्रशासन ने जो कच्चा रास्ता बनाया हुआ है पूरे रास्ते के ऊपर में इन्होंने सामान रख रखा है, ये सब रास्ता पूरा बंद कर रखा है। ही जर्जर स्थिति में ये रोड है, और प्रशासन को मालूम है कि आज देव उठनी एकादशी है, कई लाख लोग यहाँ पर आज परिक्रमा भी लगा रहे हैं। ये देखो क्या हालत हो रही है इस रोड की, हैं ये प्रशासन की कितनी सुंदर व्यवस्था है ये परिक्रमार्थियों के लिए, बिल्कुल सब सो रहे हैं, बिल्कुल नींद में है सारा प्रशासन, किसी को कोई फिक्र नहीं है इस वृंदावन का क्या होगा। रमण रेती एरिया है ये, और ये एक गली में है, इन्होंने भी देखो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया है, खूब अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिर भी पता नहीं कहाँ से वाहन प्रवेश कर रहे हैं ये। सर यहाँ आप तब भी मुस्तैक हो रहे हैं यहाँ पर मैं अभी अटल्ला चुंगी पर देख के आ रहा हूँ, वहाँ कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई भी सिपाही नहीं था वहाँ पर, जो नहीं यहाँ मैंने व्यवस्था यहाँ की आपकी रवड़ेती क्षेत्र की खूब बढ़िया व्यवस्था देख के चल रहा हूँ मैं, परंतु अटल्ला चुंगी पर बहुत ही बुरी व्यवस्था हो रही है वहाँ पर। शिवसेना वृंदावन के ये कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर आज एकादशी है, देव उठनी एकादशी में ये सभी आलू हैं और दही है और ये चाय का भी सभी परिक्रमा वालों को और बांटते हुए सेवा भाव में हैं ये सब भक्त लोग। ये कितने समय से ये कर रहे हो भैया, ये कितना टाइम हो गया? काफी टाइम है। नहीं, रात के कितने बजे से शुरू कर दिया था ये? हम जगह करीब रात को 3 बजे। 3 बजे से आप ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। क्या नाम है, शुभ नाम? मेरा बबलू शर्मा। बबलू? बबलू शर्मा। वो उधर वो। आप भी यहाँ पर 3 बजे से ही हो? सब लग रहे हैं घर के। चलो आज पूरे दिन सेवा भाव में रहोगे हैं? हाँ जब तक। चलो जय हो भैया। परिक्रमा देव उठने एकादशी परिक्रमा के अंदर में, और ये भक्तों के द्वारा जो परिक्रमार्थियों को दूध वितरण करते हुए, और ये आज आप पूरे दिन सेवा चलेगी आपकी? हाँ, सवेरे 4 बजे से शाम को 4 बजे तक। सुबह 4 बजे से शुरू हो गए? हाँ। आपने यहाँ डस्टबिन भी रखी है कहीं? हाँ, पर सब रखी है बाबा। कौन सी चैनल से आया तू? नहीं बता पहले। तू तड़ाक मत बोले ना, ढंग से बोल। बोलने का तरीका है कि ना तो मैं लेकर अगल है कि ना, बुद्धि है कि ना तो मैं है डस्टबिन का रखा, बिल्कुल घटाई है का, बिल्कुल निराव सेवा कर रहा है यहाँ पे तू। सेवा तू तड़ा क्या बोल रहा? फिर तू बोलने का तरीका ना एक भी इंटरव्यू ले रहा यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि कहाँ डस्टबिन कहाँ पर है, कहीं कोई डस्टबिन रखी है कि नहीं रखी है? मुझको यहाँ पर कोई भी डस्टबिन नहीं नजर आ रही है, और ये सेवादार तो हैं पर इनमें बोलने का कोई तरीका नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं है, भगवान ने इनको जितनी अकल देनी है उतना ही।